जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे आईएफएल इंटरप्राइजेज लिमिटेड कंपनी के बारे में। आईएफएल इंटरप्राइजेज इन दोनों चर्चा में है। चर्चा में होने के पीछे की वजह यह है कि कंपनी ने भी हाल ही में बोनस और डिविडेंड एक साथ अनाउंसमेंट किया है। वैसे तो छोटी कंपनियां सामान्यतः बोनस तो दे ही देती है, लेकिन डिविडेंड देने से बचती है क्योंकि इनके पास इतने ज्यादा पैसा नहीं होता कि कंपनी बोनस और डिविडेंड दे। फिर भी कंपनी ने यहाँ पे 7 करोड़ 45 से 54 लाख के आसपास कंपनी ने डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया है। ये रुपए की मैं बात कर रहा हूँ, 7 करोड़ 54 लाख रुपए डिविडेंड के जरिए कंपनी अपने जो निवेशक हैं उनको ये रुपए बांटेगी। इसके अलावा कंपनी ने बोनस का भी अनाउंसमेंट किया है, तो इस वीडियो में इसके बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि बोनस का जो रेशियो है वो रेशियो क्या होगा और ये कंपनी कब जाके ये जो बोनस है अपने निवेशकों को देगी। चलिए इस वीडियो को डिटेल में समझते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम लोग कंपनी का डिटेल्स लेते हैं कि आखिर ये कंपनी कामकाज क्या करती है। तो यहाँ पे जब हम इस कंपनी का काम देखेंगे तो पता लगेगा कि कंपनी फैब्रिक रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है, यानी कि कहीं ना कहीं ये कंपनी जो है टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स जुड़ी हुई है, टेक्सटाइल के सेक्टर में कामकाज करती हुई नजर आएगी और तकरीबन 100 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन की कंपनी है। तो यदि आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच भी रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तब भी आपके लिए मतलब बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि यदि कोई कंपनी है जिसका मार्केट कैप जो है 100 करोड़ के आसपास आ जाता है तो कंपनी एक प्रकार से सेफ जोन में आ जाती है, उसको ऑपरेट करना उतने इजी नहीं होता। हालांकि यहाँ पे यह भी देखना होगा कि स्टॉक का जो पी है 90 के आसपास ही, यानी कि वैल्यूएशन वाइज स्टॉक काफी महंगा है, सस्ता नहीं मिल रहा है। और जाहिर सी बात है जिस स्टॉक का डिमांड होगा, अब ये जो टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है और टेक्सटाइल सेक्टर में भी अच्छा काम करे तो इसका डिमांड ज्यादा होगा ही, तो इसका पी भी महंगा होगा। प्लस यहाँ पर देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी और जो आरओसी है अभी प्लस में तक 4-4% का रिटर्न ये दे रहा है, आरओई है इसका, तो ये कोई कम बात है नहीं। तो ऐसे स्टॉक्स का आरओई जो स्टॉक का पी है ये महंगा होगा, तो इसके लिए आपको चार्ट पर लेवल देखना होगा। चार्ट पर लेवल देखने के बाद आपको डिसाइड करना होगा कि कहाँ पे आप इस तरह के स्टॉक को बाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया मोटा मोटी बात। अब चलिए जो मेन चीज है इस वीडियो जिसके लिए हम लोग वीडियो बनाए हैं बोनस और डिविडेंड को डिस्कस करने के लिए, उसको समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं बीएस इंडिया की वेबसाइट पर। बीएस इंडिया की वेबसाइट पर देखिए आईएफएल इंटरप्राइजेज लिमिटेड कंपनी को मैंने ओपन किया हुआ है। हालांकि स्टॉक एसएमए सीजन में है, जैसा कि पेनी स्टॉक की नियति होती है या तो एसएमए एएसएम कैटेगरी में होते ही होते हैं, तो इससे घबराने वाली बात नहीं क्योंकि ये स्टेज वन में है। अब यहाँ पे देखिए मेन चीज, यहाँ पे कंपनी ने अभी हाल ही में अनाउंसमेंट किया है, बोर्ड ऑफ मीटिंग भी हुआ है, कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शन जो हुआ है बोनस और डिविडेंड को लेकर उसकी भी अनाउंसमेंट हुई है 8 अगस्त के डेट में। अब समझिए यहाँ पे जो हमारा मेन कंसर्न है कॉर्पोरेट एक्शन में क्या हुआ, बोर्ड मीटिंग का जो रिजल्ट रहा क्या क्या इस रिजल्ट में बातें निकलकर सामने आई, इसको लेके जब आप देखेंगे यहाँ पे नीचे आएंगे कॉर्पोरेट एक्शंस में तो आपको देखने को मिलेगा कॉर्पोरेट एक्शंस में कि कंपनी ने अभी हाल ही में जो है राइट इशू आया था कंपनी का, ये यहाँ पे डिटेल है। हालांकि राइट इशू जो लास्ट टाइम आया था इसी साल मई में उसका इसी डिटेल है कॉर्पोरेट एक्शंस में। जो अभी बोनस अनाउंसमेंट हुआ है या जो कंपनी ने डिविडेंड देने की बात की वो अभी इसमें अपडेट नहीं हुआ। दरअसल इसका जब रिकॉर्ड डेट फाइनल हो जाता है उसके बाद वो कॉर्पोरेट एक्शंस इसमें आके ऐड होता है, तो यहाँ पे अभी ऐड हुआ नहीं है, इसमें ऐड होने में टाइम लगेगा। मैं आगे आपको इसके बारे में अपडेट दे देता हूँ कि बोनस और डिविडेंड के बारे में कंपनी ने क्या बताया है। यहाँ पे देखेंगे पहले एक चीज आपको मैं बता दूं कि बोनस और डिविडेंड का कंपनी का लंबे चौड़ा इतिहास रहा, लगभग हर साल ही कंपनी बोनस और डिविडेंड आपको देती है, साल भर में दो दो तीन बार आपको कॉर्पोरेट टैक्सेस यहाँ पे होते हुए दिख जाते हैं। यहाँ पे न्यूज में देखिए यहाँ पे ये एक प्रतिष्ठित वेबसाइट है जी बिजनेस, उसका ये न्यूज है कि यहाँ पे आप देखेंगे जो आईएफएल इंटरप्राइजेज लिमिटेड है इन्होंने एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया है अपने जो बोर्ड मीटिंग हुआ था उसमें 31 जुलाई को मीटिंग हुआ था कि इन लोगों ने कंसिडर किया है एक डिविडेंड के लिए और साथ में बोनस शेयर्स के लिए, ये दोनों ही चीजें आपको यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे मैं यदि बता दूँ आपको डिविडेंड के बारे में तो डिविडेंड भी देख लीजिए, ये यहाँ पे आएगा डिविडेंड के लिए। यहाँ देखिए मैं यहाँ पे पढ़ रहा था मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे, तो यहाँ पे देखने को मिला कि जो डिविडेंड है वो आपको 0.001 पैसे पर शेयर के हिसाब से दिया जाएगा। हालांकि जैसे मैंने बताया कंपनी ने 7 करोड़ 54 लाख के आसपास राशि एकत्रित किए हैं सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड देने के लिए, तो अब ये डिपेंड करता है किसके पास कितने शेयर, उस हिसाब से कम, अब जैसे पेनी स्टॉक है तो लोगों के पास हजारों हजार शेयर होते हैं, तो आप ये मत देखिए कि ये कितने पैसे प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दे रही है। यदि किसी व्यक्ति के पास 1 लाख शेयर है तो जाहिर सी बात है उसके पास तो 1000 रुपये ऐसे ही बन गए, और छोटी कंपनी है प्राइस भी कम है तो 1 लाख शेयर बाई करने में पैसा भी कम लगेगा। और यहीं पर यदि हम लोग बात करें बोनस का, तो बोनस का जो अपडेट निकलकर सामने आया है उसमें अभी तक यही बात सामने निकल कर आया है कि कंपनी 1:150 के रेशियो में बोनस देने जा रही है, यानी कि किसी व्यक्ति के पास यदि 150 शेयर्स हैं तब जाकर उसको 1 एक्स्ट्रा शेयर्स मिलेगा। ऐसा नहीं समझना है कि यदि आपके पास 1 शेयर है तो आपको 150 शेयर्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। 1 शेयर पहले से होगा
सॉरी 150 शेयर्स कम से कम होंगे तब आपको एक एक्स्ट्रा शेयर्स मिलेगा। इसी तरह से जिस व्यक्ति के पास 300 शेयर्स कम से कम होंगे उसे दो एक्स्ट्रा शेयर्स मिलेगा। तो रेशियो का जो डिफरेंस है ये काफी बड़ा रखा गया, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं रखना चाहिए था। ये सिर्फ न सिर्फ एक प्रकार कह सकते हैं कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं इनके कंपनी में उनको खुश करने के लिए ये बोनस और ये डिविडेंड दिया जा रहा है। क्योंकि यदि कोई छोटा निवेशक है जिसके पास 10-20-100 शेयर्स है तो उसके लिए ना तो ये डिविडेंड मायने रखता है ना ये इतना बड़ा जो रेशियो वाला बोनस ये मायने रखता है। तो बोनस और जो डिविडेंड है इसके बारे में फिलहाल यही अपडेट है। इसके लिए अभी रिकॉर्ड डेट तय नहीं किया गया, अभी उम्मीद है अगस्त में इनकी एक और मीटिंग होगी और उसके बाद रिकॉर्ड डेट सामने आएगा तो फिर मैं इसके बारे में आपको अपडेट करूंगा। आईएफएल एंटरप्राइजेस के बारे में आगे भी वीडियो बना के मैं और अपडेट आपको दूंगा कि इस लेवल पर आप इसमें बाई सेल कर सकते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट है तो कहाँ तक होल्ड करके और कब तक इसको होल्ड कर सकते हैं, इन सारी चीजों को अगले वीडियो में बताऊंगा। बहरहाल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया। मैं हूँ हिमांशु कुमार, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।